तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मेरे पीछे हीरो मेस्ट्रो 125 BS6 है। आज मैं करने वाला हूँ इसका डिटेल रिव्यू, क्या कुछ रहेगा इसका, प्राइस, माइलेज, फीचर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ केकरीवाल हीरो को, जिन्होंने मुझे इस स्कूटी को रिव्यू करने के लिए दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस स्कूटी की फ्रंट व्हील से। तो फ्रंट व्हील पे आपको ब्यूटीफुल सा 12 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। और टायर साइज़ की बात करें तो आपको 90x90 सेक्शन का दिया गया है। और यह स्कूटी में आपको एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको ड्रम दिया गया है, जिसका साइज़ 130 mm है। और सस्पेंशन की बात करें तो आपको इसमें टेलीस्कोपिक दिया गया है, जो कि सिटी और गड्ढों में काफ़ी अच्छे परफॉर्म भी करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेस्ट्रो की स्टिकरिंग और गोल्डन कलर का ग्राफिक आपको फ्रंट पे नज़र आ जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। हेडलाइट की बात करें तो आपको इसमें हेलोजन का दिया गया है, और ऊपर आपको एक हीरो की 3D लोगो भी देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर की बात करें तो आपको इसमें नॉर्मल हेलोजन का इंडिकेटर दिया गया है। और मैं हेडलाइट और इंडिकेटर को एक बार जला के भी दिखा देता हूँ। तो आप हेडलाइट पे देख सकते हैं, जो कि ऊपर आपको दो पायलट के लैंप दिए गए हैं, और इसी के साथ आपको इसमें हेलोजन का हेडलाइट दिया गया है। और इंडिकेटर्स को आप देख सकते हैं, जो कि बल्ब इंडिकेटर है। नाइट के टाइम पे इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और मिरर्स को आप देखें तो कि काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन में इस स्कूटी में लगाए गए हैं। और बात कर लेते हैं इस स्कूटी की रेयर व्हील की। तो रेयर व्हील पर आपको 10 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। और टायर साइज़ की बात करें तो आपको 90x100 का इसमें दिया गया है। और बात कर लेते हैं इस स्कूटी की ब्रेक की। तो ब्रेक मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है, जिसका साइज़ 130 mm है। और इंजन की बात कर लें तो इंजन आपको इसमें 124.6 cc एयर कूल्ड BS6 देखने को मिल जाएगी, जिसकी मैक्स पावर की बात करें तो 9.12 PS एट द रेट 7000 RPM, और मैक्स टॉर्क की बात करें तो 10.4 Nm एट द रेट 5500 RPM। और इस स्कूटी में आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगी। और साइड पैनल पे देखें तो आपको मेस्ट्रो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि 3D में लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं इस स्कूटी की टेल लाइट की। तो इसमें आपको LED की टेल लाइट दी गई है, और इंडिकेटर नॉर्मल बल्ब दिए गए हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि हल्की फुल्की क्रोम की फिनिश दिए गए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं, जो कि हीरो की स्टिकरिंग भी आपको इसी के साथ देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस स्कूटी की ग्रैब रेल की। तो इसमें आपको ब्लैक कलर का दिया गया है, और साइलेंसर को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। इस स्कूटी की खूबसूरती को और भी इम्प्रूव कर रही है। सीट को आप देख सकते हैं, जो कि सिंगल सीट है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी स्कूटी में रिफ्यूलिंग करवानी हो तो आपको खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहां से रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें 5.5 लीटर का दिया गया है। और माइलेज की बात करें तो 50 km/h, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और सीट के नीचे की स्पेस की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जो कि सीट में काफ़ी अच्छे खासे स्पेस दिए गए हैं, और इसमें आपको एक LED की लाइट भी दी गई है। और इसी के साथ आपको कुछ टूल्स और फास्ट एड किट भी दी गई है, और आपको नीचे एक USB केबल का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटी की मीटर कंसोल की। तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का मीटर कंसोल दिया गया है। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर, और डिजिटल में आपको ट्रिप मीटर, किलोमीटर और फ्यूल की इंडिकेशन इसमें दी गई है। और इसी के साथ आपको इसमें कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, जैसे कि हाई बीम, साइड स्टैंड की इंडिकेशन, लेफ्ट एंड राइट की इंडिकेशन। और इसी के साथ आपको इसमें इंजन चेक लाइट और स्टार्ट बटन भी दिया गया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्कूटी की कलर ऑप्शन की। तो पहला जो कलर ऑप्शन है वो ग्रे कलर में देखने को मिल जाएगा, और दूसरे कलर ऑप्शन की बात करें तो वो वाइट है। और इसके डैशबोर्ड में देखें तो आपको इसमें ब्राउन कलर के दिए गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और बात कर लेते हैं अगले कलर ऑप्शन की, तो वो आपको मैट ब्लू में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डैशबोर्ड है वो ब्लैक कलर में दिया गया है, जो कि देखने में मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है।
और इन स्कूटी की प्राइस की बात करें तो 81,751 रुपये हमारे गोड्डा झारखंड में ऑन रोड मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।